हेलो दोस्तों, आज हम ईएमआई कैलकुलेशन करेंगे होंडा एक्टिवा 125 BS6 बेंगलोर से। अगर आप बेंगलोर से हो तो ये वीडियो देखिए, अगर आप किसी और स्टेट से हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे स्टेट का ईएमआई कैलकुलेशन मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, बेंगलोर में इसका एक शोरूम प्राइस है 77,431 रुपया और इसका ऑन रोड प्राइस है 92,808 रुपया। दोस्तों, इसका बेंगलोर में आरटीओ का खर्चा आएगा 9,291 रुपया और इंश्योरेंस का खर्चा आएगा 6,086 रुपया। दोस्तों, ये डिलक्स वाले वेरिएंट का मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इसको 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 69,687 रुपया और आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 28,301 रुपया और आपको मंथली ईएमआई जो पे करना होगा वो है 2,231 रुपया। तो टोटल मिला के आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,08,580 रुपया, जो मैंने आपको बताया ये दोस्तों 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर अगर आपके वहाँ पर कोई त्यौहार चल रहा हो तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, अगर आपके वहाँ पर कोई त्यौहार नहीं चल रहा हो तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी हो सकता है। बैंक वाले के ऑफर की वजह से इंटरेस्ट रेट कम होता है, ज़्यादा होता है, तो आप पूछ लीजिएगा। मैंने आपको बताया 10% इंटरेस्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी कितना किया आ सकता है, कितना किया आएगा। तो अगर जब भी आप गाड़ी लो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट का बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट शोरूम वाले कुछ बदतमीजी करते हैं। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट की बात अगर आप नहीं करोगे तो आपको 15-13% तक इंटरेस्ट रेट लगा देता है। ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट 10% में होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रहा है इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आया हुआ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।